सो गाइस ये मेन मार्केट में ही है मृकुला माता का मंदिर, जैसे कि आप सामने देखेंगे। सो गाइस बढ़िया करके त्रिलोकीनाथ महादेव के दर्शन हो गए हैं। सो भाई लोग सीन ये है कि अभी मंदिर से तो मैं आ गया था, पर स्कूटी जो है ख़राब हो गई है। हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज है 2nd of May, सुबह का तकरीबन 8 बज गया है और मैं हूँ अभी उदयपुर में, उदयपुर हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक कैसे पहुँचे उसके लिए तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, इससे पहला ब्लॉग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल मैंने कल यहाँ स्कूटर में चेक इन किया था, तो आज चेकआउट कर रहा हूँ और इस ब्यूटीफुल व्यू को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है मुझे, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से हम चेकआउट करके सीधे जाएंगे मृकुला माता मंदिर और उसके बाद त्रिलोकीनाथ और फिर उसके बाद हमें तांडी जाना, थोड़ा तेल वेल भराएंगे, फिर हम कीलोंग की तरफ निकल पड़ेंगे। सो गाइस ये आंटी जी मिलेंगी, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। दोबारा आएंगे, आप लोग आएंगे तो इन्हीं के होम स्टे में, अपना शर्मा होम स्टे करके है, बिल्कुल रोड से बगल में ही है। सो गाइस ये है उदयपुर का बस स्टैंड और इस बस स्टैंड के पास में आपको बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे। और ये रोड जो जा रही है बस स्टैंड से ऊपर ही सीधे मार्केट जा रही है, मेन मार्केट, और यहीं से मंदिर का भी रास्ता है। लगता है उदयपुर चाहता है मैं और ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँ। वैसे उठते हुए बहुत जल्दी गया था और रेडी भी हो गया था, बट स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, शायद उसमें स्पार्क प्लग में कोई दिक्कत है। तो अभी मैकेनिक की शॉप खुली नहीं है, उसका वेट चल रहा है, तो मुझे लगा जब तक मैं फिर माता का दर्शन कराता हूँ, वहाँ पर जो टेम्पल है वो आता हूँ, जब तक मैकेनिक की दुकान भी खुल जाएगी। सो गाइस ये मेन मार्केट में ही है मृकुला माता का मंदिर, जैसे कि आप सामने देखेंगे बहुत पुराना मंदिर है ये। चलिए चलते अंदर देख के आते हैं, यहाँ पे आपको सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। दोस्तों जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, मंदिर बहुत पुराना माना जाता है, 11वीं 12वीं सेंचुरी का माना जाता है। और इस मंदिर की कहानी यह है कि जब माता ने उस जमाने में महिषासुर का वध किया था, तो पंडित जी बता रहे थे कि कांगड़ा से महिषासुर को यहाँ लाके मारा था। और ये मंदिर जो है ना, जो मनाली में हमने हिडम्बा देवी टेम्पल देखा था, उसी से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ देखने को मिलता है। और बहुत ही अलग वाइब है यहाँ पे, बिल्कुल शांत है, अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो भाई लोग सीन ये है कि अभी मंदिर से तो मैं आ गया था, पर स्कूटी जो है ख़राब हो गई है, स्पार्क प्लग चेंज करके भी देख लिया, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी मैकेनिक भैया के पास लाया हूँ, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं, मतलब प्लान डिले होते हुए दिख रहा है मेरे को तो यार, जिस पर भी जाना था, मंदिर भी जाना था, पता नहीं क्या होता है, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। सो गाइस तकरीबन 1 घंटे बाद स्कूटी ठीक हो गई है, बड़ी दिक्कतें आ गई थी, स्पार्क प्लग भी चेंज हुआ, वो सारा एयर फिल्टर साफ सुफ कराया, उसका बैटरी में भी जम देना पड़ा, बैटरी ख़त्म हो गई थी, सुबह से सेल्फ मारते जा रहे थे। तो बस अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से, फिर सीधे तांडी पहुँचते हैं, तेल भी खत्म होने वाला है, तांडी पहुँच के तेल भराते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस ये मेन रोड है, ये मेन रोड से लेफ्ट हैंड साइड को त्रिलोकीनाथ का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ है 8 से 5 किलोमीटर, क्या लिखा हुआ है, 800 या 500, कुछ 8 किलोमीटर तो लिखा हुआ है, यहाँ से रास्ता जाता है। और मैं बता दूँ कि ये रास्ता मैंने पता किया था, ये रास्ता उस रास्ते से ज़्यादा शॉर्टकट है, अगर हम यहाँ से वापस जाएँ मेन रोड से, तो हम यहाँ से जाएंगे त्रिलोकीनाथ होते हैं और वो जो कल मैंने आपको रास्ता दिखाया था वहाँ की तरफ से ऊपर मिल जाएंगे मेन हाईवे में, तो ये शॉर्टकट पड़ेगा हमें। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और एक और बताता हूँ, जो हमारा उदयपुर टाउन है ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट का लार्जेस्ट टाउन है, पहला कीलोंग है और दूसरा उदयपुर है। सो गाइस वहाँ से तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद हम लोग पहुँच गए त्रिलोकीनाथ टेम्पल, यहाँ पे छोटा सा एक टाउन सा है, मैंने स्कूटी वहाँ लगा दी है रोड के किनारे, फटाफट मंदिर के दर्शन कर लेते हैं फिर यहाँ से हम निकलेंगे आगे की ओर। तो यहाँ पे जो है मुझे लग रहा होम स्टेज वगैरह भी अवेलेबल हैं। सो गाइस बढ़िया करके त्रिलोकीनाथ महादेव के दर्शन हो गए हैं।
सो गाइस जो त्रिलोकीनाथ महादेव जी का मंदिर है ये एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी है और इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी। माना जाता है कि बहुत डिकेट पहले यहाँ पे सिक्स हेडेड एक स्टैचू था जो कि चोरी हो गया था, उसके बाद फिर मार्बल का एक और स्टैचू लगाया गया। और एक और स्टोरी है यहाँ पे, जो कुल्लू के राजा हुआ करते थे उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ से हिलाने की भी कोशिश की थी बट वो हिला नहीं पाए थे। और इसमें मूर्ति में बोला जाता है कि लेफ्ट साइड्स पे एक निशान भी है उस मूर्ति को हिलाने के लिए जो उन्होंने कोशिश की थी उसका। तो यही है कहानी और बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। और अगर आप इधर उदयपुर की साइड आते हो तो एक बहुत अच्छा प्लेस हो सकता है। अंदर मंदिर के अंदर बिल्कुल घी के दिए जलाए हुए थे, मतलब बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में ऐसा होता है। ऐसा मुझे इस मॉनेस्ट्री से ना मुझे वो भूटान की टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री की याद आ गई। मैं भूटान गया था कुछ साल पहले और वहाँ टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री में भी ऐसे घी के दिए जलाए हुए थे। अगर आपने भूटान वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो वैसे ये वही चौराहा है जहाँ कल हम यहाँ से गए थे ना, आज हम यहाँ से वापस आए हैं। तो बीच में रास्ता जो लास्ट पैच था वो थोड़ा सा ऑफ रोड है, थोड़ा सा मतलब मिट्टी वाला है, लास्ट जो विलेज में पड़ता है, बाकी रोड पूरी सही है। तो अभी यहाँ से हम सीधे हाईवे में मिल गए हैं और सीधे निकलते हैं यहाँ से, पहले तेल वेल भराते हैं फिर जिस्पा की ओर। तो गाइस पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो पेट्रोल भराने के लिए मुझे दोबारा टांडी पे आना पड़ा अभी उदयपुर से। अभी वापस मैं उस तरफ जाऊंगा जिस्पा की तरफ। सो गाइस उदयपुर से वापस आ गया, पेट्रोल भरा के अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर आ गया हूँ ढाबे में टांडी पुल वाले। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, आज सुबह से सियापा होने में लगा है ना। तो यहाँ से पेट पूजा करके फिर निकलते हैं जिस्पा की तरफ। भाई लोग इतने गजब गजब के व्यूज़ दिख रहे हैं ना, मतलब हर एक मिनट में रुकना पड़ रहा है, मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ मैं इतने अच्छे व्यूज़ कैप्चर करने से, मज़ा आ गया एक नंबर। सो गाइस तो ये थी किलोंग की मार्केट और ये रोड जो है सीधे ऊपर हाईवे में मिल जाएगी। सो गाइस फाइनली हम लोग अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं जिस पर यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट होता है और यहाँ से ले सिर्फ 338 किलोमीटर है।